हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम HSSC Pgt हिस्ट्री स्क्रीनिंग 2016 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो कॉमन जीके के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस जो है वो हरियाणा जीके से हैं, और लास्ट में जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता था कुंवर सिंह, नाना साहेब, तांत्या टोपे, मंगल पांडे। तो कुंवर सिंह जो है वो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता थे। नेक्स्ट है, सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हुंडी जो है वो है विनिमय पत्र, दस्तक, ऑप्शन फोर कर मुक्ति पाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी अनुज्ञा, सनद जो है वो है मुगल शाही आदेश, और ददानी प्राथमिक उत्पादक को प्रदत्त पेशगी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए साहसिक पर्यटन माउंट एवरेस्ट, धार्मिक पर्यटन बालाजी मंदिर, व्यापारिक पर्यटन जो है वो है नारीमन पॉइंट, और सांस्कृतिक पर्यटन जहांगीर आर्ट गैलरी। तो इस तरह से ऑप्शन टू जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सप्त पैगोडा कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम, मध्य प्रदेश, कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो सप्त पैगोडा मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चोल काल में निम्न में से कौन सा कर शिक्षण हेतु लिया जाता था, देवदान, शालाभोग, ब्रह्मदेव, सर्वमान्य। तो चोल काल में जो शिक्षण हेतु कर लिया जाता था वो था देवदान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक लेख लिखा था, गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, जेबुनिसा बेगम। तो ऐतिहासिक लेख जो लिखा था वो लिखा था गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले थे, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। तो जो संयुक्त स्टॉक कंपनी है वो शुरू की थी सबसे पहले डच ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था, बारबोसा, बर्नी, इबन बतूता, अब्दुल रज्जाक। तो इबन बतूता को जो है वो राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, कनिष्क अनुसरण करते थे जैन धर्म का, सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का। तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे बांस के, लकड़ी के, ईंट के, पत्थर के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो ईंट से बने हुए थे, ऑप्शन सी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती, यमुना, गंगा, कावेरी। तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहन जोदाड़ो। तो इनमें से लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट है, विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई, सदाशिव राय, कृष्ण देव राय, राम राय, हरिहर तथा बुक्का। हरिहर तथा बुक्का के द्वारा जो है वो विजयनगर शहर की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं था, गंगा भट्ट, तुकाराम, रामदेव, रामदास, और दादाजी कोंडदेव। तो इनमें से दादाजी कोंडदेव जो है वो जीवित नहीं थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मद्रास, ये सही सुमेलित है, तालुकदारी व्यवस्था, बॉम्बे, ये जो है वो सुमेलित नहीं है, स्थाई बंदोबस्त, बंगाल, ये सही है, महलवाड़ी बंदोबस्त, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी, आर सी मजूमदार, वी डी सावरकर, एस बी चौधरी, कृष्ण कुमारी वीरनी वीरजी, कृष्ण कुमारी वीरजी। तो इनमें से ये जो पुस्तक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखी गई थी वी डी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? रमाबाई, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, भिकाजी कामा। तो भिकाजी कामा को जो है वो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। तो वेदांत समाज की स्थापना जो है वो की थी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, 1908 में उनके कारावास। तो ये जो है वो होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य की उपाधि मिली थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? 720, 750, 72 और 78। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी? भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। तो भगत सिंह को जो है वो काकोरी षड्यंत्र के तहत जो है फांसी नहीं दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र के लिए अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, एम जी रानाडे, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी सी। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था? वैज्ञानिक आविष्कार, पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता, औद्योगिक क्रांति, समाचार पत्र का प्रभाव। तो पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता जो है वो सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मुख्य कारण था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है सबसे पहले है पुष्यमित्र सुंग, फर्स्ट नंबर पे होगा पुष्यमित्र सुंग, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय, फिर जो है वो शंकराचार्य और फिर चंद्र बरदाई। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी? 25%, 30%, 35%, 40%। तो 35% वृद्धि जो है वो हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो इसके प्रारूप समिति के सभापति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी वो है अगस्तोफर, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति की वकालत की थी? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो ये नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों के लिए पद ताम्रपत्र प्रयुक्त किया गया था? स्टोन, कॉपर प्लेट, पेड़ की छाल, गोल्ड प्लेट। तो ये किया गया था कॉपर प्लेट के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? भूमक, महार, रुद्रदामन, चेतन। तो रुद्रदामन ने जो है वो जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया था, ऑप्शन सी। तो इसके बाद जो है हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन देखेंगे। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1013 ईस्वी में, 1014 में, 1016 में, 1017 में। तो महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये सभी। तो तैमूर ने आक्रमण किया था इन सभी पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है निबंध प्रतियोगिता से, खेल प्रतियोगिता से, ध्वजारोहण से, नौकरी पाने से। तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो योजना है वो संबंधित है
ध्वजारोहण से, ऑप्शन सी। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, पंचकूला में। तो उर्दू है जो गुड़गांव में बोली जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। तो उत्तर पूर्वी भाग में जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और बलुई चिकनी मिट्टी। तो मोरनी की पहाड़ियों में जो है पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है? साहिबी, टांगरी, कृष्णावती, दोहन। तो मारकंडा नदी की जो महत्वपूर्ण उपनदी है वो है टांगरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो हरियाणा जो है वो पंजाब प्रांत का भाग था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये सभी झील जो हैं वो हरियाणा में स्थित हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। खांडव जो है वो खंडवा जो है वो कहते हैं पगड़ी को, और दामन घाघरा, पीलिया दुपट्टा और अंगी यह है अंतर्वस्त्र। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा ने नई खेल नीति को स्वीकार किया 15 अगस्त 2008, 21 अगस्त 2009, 26 जनवरी 2009 और 2 अक्टूबर 2008। हरियाणा ने नई खेल नीति को स्वीकार किया था 21 अगस्त 2009 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा किया गया है। 2006 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19, 2007 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19, 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19 और 2009 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19। तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड का जो गठन किया गया है वो किया गया है 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19 के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? जेके बिड़ला, बाबा तारकनाथ, बाबा सर्वननाथ और बाबा शिवगिरी। तो बाबा सर्वननाथ ने जो है वो ये मंदिर बनवाया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर है? सोनीपत, गुड़गांव, हिसार, पंचकूला। सोनीपत में जो है वो एटलस उद्योग है। नेक्स्ट है, बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाबू परमानंद जो है वो राज्यपाल के पद पर आसीन रहे थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? रोहतक, हिसार, झज्जर, जींद। पंडित जसराज का जन्म जो है वो हिसार में हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना और स्वयं सिद्ध योजना। तो इनमें से जो स्वयं सिद्ध योजना है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 तक हरियाणा राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 7, 4, 9 और 8। तो 9 जो है वो कुल नगर निगम थे 2015 तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं और राष्ट्रपति स्वयं ही निर्णय लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।